मुंबई में लोकल ट्रेन से यात्रा करने वाले सावधान हो जाइए। विरार रेलवे स्टेशन से एक 4 साल के बच्चे को उठा ले गया एक शख्स। बताया जा रहा है कि एक माँ अपने बच्चे के साथ लोकल ट्रेन का इंतजार कर रही थी। बच्चे की माँ की नींद लगी और इसी दौरान एक आदमी ने बच्चे को पकड़ लिया और ट्रेन में सवार हो गया। यह घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर विरार स्टेशन पर माँ अपने बच्चे के साथ ट्रेन का इंतजार कर रही थी और इसी बीच माँ को हल्की सी नींद लगी और एक युवक आके बच्चे को वहां से अगवा कर ट्रेन में सवार होकर वहां से फरार हो जाता है। माँ ने पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक की जिसमें ये घटना पूरी कैद हुई थी और उसके बाद पता चला कि एक युवक ने बच्चे को लेकर वहां से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कि नाबालिग बताया जा रहा है और ये तड़के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से छुड़ाया गया है। जीआरपी ने सोमवार को विरार रेलवे स्टेशन से एक बच्चे को अगवा करने के आरोप में व्यक्ति को गिरफ्तार किया और नाबालिग लड़के को सोमवार तड़के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से छुड़ाया गया। ये घटना रविवार करीब शाम 4 बजे की है जब बच्चा अपनी माँ के साथ रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। माँ को हल्की सी नींद लगी, इसी बीच एक लड़का आया जिसने बच्चे को उठाकर वहाँ से ट्रेन में फरार हो गया और फरार होने के बाद ये पूरी घटना वहाँ स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है।